प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रीडर का आपका पार्ट 3, गुठलियों के दाम। ये एक कहानी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, सागरपुर, ठीक है। नीलगिरी पर्वत था, उसके पास एक रियासत थी जिसका नाम था सागरपुर। वहाँ राजा सुमेर सिंह राज करते थे। वहाँ के राजा कौन थे? सुमेर सिंह। उनके महामंत्री का नाम था मतीराम, ठीक है। उनके एक मंत्री था जिसका नाम था मतीराम, बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे, ठीक है। ऐसे वो मतीराम ऐसे इंटेलिजेंट थे जैसे कि बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे। वो इतने इंटेलिजेंट थे, मतलब इतने बुद्धिमान थे। कौन? महामंत्री मतीराम। अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के किस्सों के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, ठीक है। वो अपनी इंटेलिजेंस, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो वो पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, फेमस थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था, ठीक है। एक बार गर्मियों की मौसम की बात है, महाराज सुमेर सिंह अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। महाराज किसके साथ टहल रहे थे? महाराज सुमेर सिंह के साथ बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। तो बगीचे में किसके पेड़ थे? आम के पेड़ थे। उस पर बहुत सारे आम लगे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मतीराम से कहा, आइए महामंत्री जी आम खाएं, ठीक है। राजा और मंत्री दोनों कहाँ घूम रहे? बगीचे में। वो मंत्री को बोलते हैं राजा कि चलो हम आम खाते हैं। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने के लिए इशारा कर दिया। तो मंत्री माली से बोलता है कि चलो आम लेके आओ। माली ने पलक झपकते ही राजा के लिए आसन लगाया। माली ने एक आसन लगाया वहीं बगीचे में, जिसके ऊपर कौन बैठा? मंत्री और राजा। बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह धो पहुँचकर दो थालों में सजा ले आया, ठीक है। बहुत सारे आम तोड़कर अच्छे से धोकर पहुँचकर कौन लेके आया थाली में सजा के? माली। महाराज और महामंत्री आम खाने लग गए। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। अचानक से जो राजा थे उनको कुछ हंसी मजाक, ठिठोली मतलब हंसी मजाक करने का मन किया। वे आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियाँ चुपचाप मतीराम के सामने थाल में रखते जाते, ठीक है। महाराज जो थे वो आम चूस चूस कर गुठलियों को छिलकों को कहाँ रख रहे थे? मंत्री की प्लेट में रख रहे थे। कुछ देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्या? देखो आप अकेले ही कितने आम खा गए। मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज भूख तो सचमुच लगी थी मगर आपसे कम। हाँ हाँ महाराज, मुझे बहुत सारी भूख तो लगी थी लेकिन आपसे कम लगी थी, आपको ज़्यादा लगी थी। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? महाराज ने बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसका क्या मतलब? मंत्री बोले, महाराज मैंने तो केवल आम ही खाए हैं लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियाँ भी नहीं छोड़ी। मंत्री बोलता है कि मैं तो बस आम ही खा रहा था लेकिन आप तो गुठली और छिलके भी खा गए। आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है, आपका प्लेट तो पूरा का पूरा खाली है। देखो मेरी प्लेट में कम से कम गुठलियाँ और छिलके तो हैं। ऐसे कौन बोल रहा था? मंत्री। यह सुनकर महाराज हंसने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम दी। महाराज इस बात पर, मंत्री की इस बात पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं, मतलब सोने की मुद्राएं गिफ्ट में दी, इनाम में दी। यह देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया, मतलब इशारा किया और कहने लगे, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यह सुनकर महाराज सहित वहाँ सभी उपस्थित लोग हंस पड़े। मतलब एक हाथ में उनके आम है और एक हाथ में क्या है? वो स्वर्ण मुद्राएं थी, आम के आम और गुठलियों के दाम, इसका मतलब ये था, ठीक है। तो ये सब जो राजा ने बोला वो सब सुनकर सब लोग वहाँ पे जो थे वो सब हंसने लग गए। शिक्षा, ये एक कहानी थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। हाजिर जवाब मतलब जो एकदम से तुरंत जवाब दे दे, कोई उससे क्वेश्चन पूछे, कोई प्रश्न पूछे तो तुरंत जो उसका उत्तर दे देता है, उत्तर उसका जवाब दे देता है, उसको कहते हैं हाजिर जवाब। हंसोड़ मतलब बहुत हंसमुख व्यक्ति, हंसोड़ व्यक्ति मतलब हंसमुख व्यक्ति जो बात बात पर हंसी मजाक भी करता है।
हाजिर जवाब और हसूड व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। ऐसा किसके लिए बोला गया है इसमें? महामंत्री जो था उनका हसूड व्यक्ति था, ठीक है। उस राजा जो भी बोल रहा था वो तुरंत उसका आंसर कर देता था, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हंसमुख बन के रहना चाहिए। ओके क्लास, अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे उसको करके आपको सेंड करना है। थैंक यू।